और दक्षिण वार्ड 54 में स्थित सरकारी प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शाला का विधायक ने किया निरीक्षण। स्कूल की दुर्दशा देखकर वोरा ने विभागीय अफसरों पर नाराजगी जताई। वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अरुण वोरा ने पोटिया कला दक्षिण वार्ड 54 में स्थित सरकारी प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक स्कूल का निरीक्षण किया। स्कूल की दुर्दशा देखकर वोरा ने विभागीय अफसरों पर नाराजगी जताई और कहा कि बच्चों को जान में जोखिम डालकर स्कूल में पढ़ना पड़ रहा है, ये चिंताजनक स्थिति है। सरकारी संसाधनों से बच्चों को बेहतर सुविधाओं के साथ शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करना जरूरी है। इस पर वोरा ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि स्कूलों में बच्चों के साथ किसी भी तरह का हादसा नहीं होना चाहिए। आसपास के नागरिकों ने बताया कि प्राइमरी स्कूल में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, जबकि मिडिल स्कूल में 120 बच्चे अध्ययनरत हैं। दीवारों पर सीपेज होने की बातें कही, दीवारों के प्लास्टर लगातार झड़ रहे हैं ऐसा कहा। शिक्षा विभाग के अफसर कभी स्कूल में झांकने भी नहीं आते, अगर साल भर में एकाध बार आ भी गए तो कोई फायदा नहीं होता, केवल खाना पूर्ति कर दी जाती है। 1982 में बने इस स्कूल की दुर्दशा के बावजूद अफसर यहाँ मरम्मत के कार्य अभी तक नहीं करा पाए हैं। विधायक वोरा ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि स्कूल में चाक चौबंद व्यवस्था के साथ बच्चों को पढ़ाया जाए, स्कूल का वातावरण स्वस्थ किया जाए। वहीं स्कूल परिसर में जल भराव जैसी स्थितियां बेहद दुर्भाग्यजनक होने की बातें कही। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।